हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड न्यू अनदर व्लॉग। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में और गुड इवनिंग, क्योंकि अब बज चुके हैं शाम के 6:30 और येलो कलर देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि है आज मेरा फास्ट। थर्सडे का फास्ट करती हूँ मैं, आप लोगों को पता है। सो बस अब बनाएंगे अपना खाना, क्योंकि भूख लग रही है थोड़ी सी। सो वैसे कुछ भी नहीं खाया, फ्रूट भी नहीं खाया आज मैंने, क्योंकि केला खाने का मन करता है और थर्सडे के फास्ट में केला खा ही नहीं सकती। तो होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, सेफ होंगे। और आज का व्लॉग और व्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है शाम को, क्योंकि दिन में कुछ था ही नहीं मेरे पास बनाने के लिए, तो सोचा कि अब शाम को स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना क्या बनाने वाली हूँ फास्ट का। रोटी नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैं थर्सडे के फास्ट में रोटी नहीं खाती हूँ। बस आलू का ही कुछ बनाऊंगी और देखती हूँ, या तो खीरे का रायता बना लूँगी या फिर बस नॉर्मल दही ले लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लगा रखा है माइक, क्योंकि मैं इतनी तेज नहीं बोल सकती। बड़ा हरामी हो बेटा, तेज आवाज़ मेरी तभी निकलती है। सो भी इतना तेज आवाज़ मैं नहीं बोल सकती, सो इसलिए मैंने लगा लिया माइक, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से सुन सके। मैंने किया था कल अपने बालों में स्पा अपने आप से, और वो कैसे किया है, किया तो मैंने हेयर स्पा क्रीम से ही है। अगर आपको हेयर स्पा की वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने अमेज़ोन से मतलब कुछ एक ऐसी भी चीज़ मंगाई है जो मतलब पार्लर के बहुत ही ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। आप स्पा के तो बिल्कुल ही नॉर्मल स्पा अगर आप पार्लर में जाओगे तो 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये का होता है, तो आप इजीली घर में कर सकते हैं। बस एक बार अपना सामान मंगा लो, और कैसे कैसे करते हैं वो बताने के लिए तो मैं हूँ ही। तो अगर आपको भी हेयर स्पा करना है और अगर आपको हेयर स्पा वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी हेयर स्पा की कैसे करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप लोगों को अगर देखना है कि मैंने क्या मंगाया था अमेज़ोन से, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं आप लोगों को इसी वाले वीडियो में दिखा दूँगी। बट उसको यूज़ कैसे करना है, हम कैसे करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, अगर आप लोगों के कमेंट आए तो, कि हाँ हमें हेयर स्पा वाली वीडियो देखनी है कि कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा, तो एक बार ज़रूर देखना। और जो ये प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ही कम प्राइस में आपको अमेज़ोन से मिल जाएगा। अपने आप से इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ थी जो मैंने मंगाई थी और मैंने कौन सी क्रीम मंगाई थी, वो आपको तभी पता चलेगी जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। बट अभी मैं पहले अपना बना लेती हूँ खाना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी वो हेयर स्पा से रिलेटेड जो भी सामान था वो। तो अब मैं बनाऊँगी अपना आलू जीरा। आलू जीरा बनाने के लिए मैंने ले ली थी 2 आलू, और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हरा धनिया है, एक हरी मिर्च है, नमक है, हल्दी है, और जो सूखे वाला धनिया आता है वो है, और जीरा है बस, और कुछ भी नहीं लिया था मैंने। तो अब बनाती हूँ अपना, और इसको मैं बनाऊँगी घी में, क्योंकि फास्ट में मैं घी में बनाती हूँ। अपने पैन रख देंगे, उसके बाद मैं डालूँगी अपना 1/2 चम्मच घी, और घी मेरा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने अपना जो मसाला वगैरह बना के रखा हुआ था इसको डाल देंगे, 1.5 या 2 मिनट तक इसको अच्छे से पकने देंगे, बस इससे ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि फिर नीचे जल जाएगा ये। और इसके बनने के बाद हम इसमें कर देंगे अपने आलू जो थे अच्छे से मैश करके मैंने रख लिए थे, उसके बाद मैंने इनको कर दिया था इसके अंदर मिक्स। और अब कर देंगे इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि आलू को तो हमने पहले ही उबाल रखा था। उसके बाद मैंने निकाल लिया था इनको अपने एक बाउल में, और उसके बाद फिर मैंने कर ली थी अपनी पूजा वगैरह, प्रसाद वगैरह मैंने जो भी बनाया था वो अलग से निकाल लिया था, और अब बस चलती हूँ अपनी पूजा करने के लिए। हो गई है मेरी, और हमारी डिबू रानी भी आ गई है यहाँ पर। आज हमने ट्विनिंग किया ना, आज हमने येलो येलो पहना, मम्मा बेटा ने, मेरे बेटा के हो रहा बहुत तेज जुकाम। तो अब खाएंगे अपना खाना। रायता नहीं बनाया मैंने, अपनी दही ले लिया, क्योंकि फिर रायते से ज़्यादा पेट वेट सा भर जाता है। तो अपने थोड़े से आलू जीरा ले लिया और अपनी दही। तो अब करते हैं स्टार्ट खाना। तो अब मैं आपको बताऊंगी जो स्पा क्रीम की मैं बात कर रही थी, तो गाइस मैंने ना तो लोरियल की मंगाई है, ना मैंने मैट्रिक्स की मंगाई है, ना मैंने और अदर ब्रांड की मंगाई है। मैंने मंगाई है एक सिंपल सी ये वाली स्पा क्रीम, न्यूट्रीग्लो की है ये, और ये 300 ग्राम की जो ये है बॉक्स है, इसकी पैकिंग आई थी, और मैंने इसको
कल ही यूज़ किया था और इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और ये है ड्राई एंड डैमेज हेयर के लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे थे और डैमेज भी बहुत हो रहे थे, दो मुँह बाल बोलते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। तो नीचे से पहले तो मैंने कटिंग करा ली थी थोड़ी सी, उसके बाद मैंने ये वाली क्रीम से अपना स्पा किया था। तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही ज़्यादा गजब है, बहुत ज़्यादा गजब है। तो मेरे को तो ये वाली अच्छी लगी और इसका प्राइस है 525, बट ये मेरे को मिली थी डिस्काउंट में, मतलब ऑफ़र चल रहा था, तो शायद 293 की ये मेरे को पड़ी थी। तो अगर आप लोग अमेज़ोन से मंगाएंगे तो बस इस पर रेट है 525 का, लेकिन आपको ये मिलेगी नहीं 525 की, ये 300 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगी। 300 ग्राम की क्रीम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है, एक बार मेरे बोलने से ज़रूर ट्राई करके देखना। और जो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि हम स्पा कराने के लिए जाते हैं तो वो हमें स्टीम वगैरह देते हैं बड़ी सी मशीन से, तो अब हमने क्रीम तो मंगा ली अपनी, तो अब हम सोचेंगे कि हम अब स्टीम कैसे ले। स्टीम ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मशीन से ले, या 150-180 रुपये का एक फेशियल स्टीमर भी आता है तो आप उसको भी मंगा सकते हैं। बस अपने बालों को उसमें ऐसे ऐसे कर लें तो आपके बालों तक स्टीम पहुंच जाएगी। अगर आप वो भी नहीं मंगाना चाहते तो सबसे इजी तरीका है, आप एक सॉफ्ट सा टॉवल लो, उसको गर्म पानी में डालो और उसके बाद उसको निकालो और अच्छे से उसको निचोड़ दो, और फिर उसको अपने बालों के ऊपर ये क्रीम अप्लाई करने के बाद, अच्छे से मसाज करने के बाद, आप 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से बालों को कवर करके रख लो, उससे भी आपके बालों को बहुत अच्छे स्टीम मिल जाएगी। बट मुझे एक प्रोडक्ट अमेज़ोन पे अच्छा लगा तो मैंने मंगा लिया। अब स्पा क्रीम मंगाई थी तो उसके साथ साथ ये भी मंगाना ज़रूरी था, तो मैंने मंगाई है ये एक स्पा कैप, हेयर कैप मैंने मंगाई है। इस तरीके से ये कुछ आई थी और मेरी पन्नी उड़ गई। तो ये है स्टीमर कैप, ये इस तरीके से है, इसमें एक वायर भी दी हुई है, ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे बीच में मीडियम है, ऊपर लो हो जाएगा, मतलब स्टीम ज़्यादा हो जाएगी, बीच में मीडियम रहेगी, इधर बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। ये सॉरी, ये ऐसे पकड़ना था मुझे, ये अब हाई है, फिर मीडियम और फिर ऑफ हो जाएगा। तो ये एक कैप है, इसके अंदर जो आप अंदर देखोगे ना तो इसमें वायर लगी हुई है जहाँ से हीट आती है, तो हम अपने, और यहाँ पे ये देखो आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हेड के अकॉर्डिंग इस तरीके से, तो ये ऐसे छोटा हो जाएगा। तो और जो इसमें ये पॉलीथीन दी हुई है, आप इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं, जब आप अपना स्पा वगैरह कर लो तो इसको अच्छे से ऐसे निकाल के और इसको बाहर इसमें से निकल जाएगी। आप इसको अच्छे से सुखा के, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, इसका जो डिस्क्रिप्शन था वो मैंने पढ़ा था, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप दूसरी बार भी इसको यूज़ करोगे ना तो अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह गया तो फिर करंट वरंट के चांस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए तो आप इसको जब भी यूज़ करें और यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से सुखा के फिर इसमें दोबारा से अटैच कर दें, और आप इसमें देखोगे अंदर बहुत सारी वायर है, ये अगर आपको दिख रही होंगी तो इस साइड भी हैं, मतलब पूरे में है, इस फ्रंट पे भी है, साइड पे भी है, ये रही अगर आपको दिख रही हो। तो ये मैंने कल यूज़ करा था, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मेरे को मिला, हीट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी उड़ती। ये भी नहीं है कि आपको अपने बालों को जला लेना है, बिल्कुल हल्के हल्के से स्टीम लो, पहले हाई पे इसको थोड़ा सा गर्म कर लो फिर मीडियम पे स्टीम ले लो, ऐसे आप इसको यूज़ कर लो। तो ये मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, कैप मंगाई थी मैंने, ये स्पा में जो यूज़ करते हैं वो वाली कैप थी ये। तो इसको हम ऐसे पहन लेंगे और फिर अपना स्विच में ये लगा देंगे, और फिर थोड़ी सी देर, 15 मिनट भी ज़्यादा हो जाएंगे, 10 मिनट तक इसको यूज़ कर लेंगे, स्टीम ले लेंगे अच्छे से। बट इसको यूज़ करने से पहले आप अपने बालों को जब मसाज वगैरह कर लोगे अच्छे से, तो अच्छे से टाई कर ले, और फिर उसके बाद जो वो जैसे डॉक्टर पहनते हैं ना, जो वो ऊपर हेड में डालने का आता है कवर सा, वो पहन के फिर इसको यूज़ करें,
है ना, मेरे पास वो है बट वो ऊपर रखा है, मैं आपको दिखा देती। तो ये था वो प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, और ये स्पा क्रीम भी मैंने अमेज़ोन से भी मंगाई थी। अगर आप लोगों को ये मंगानी है तो मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके मंगा लेना ईज़िली। और ये मेरे को मिली थी 280 रुपये की, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस में मुझे मिल गई। अब मैं अपना घर पर स्पा कर लूँगी आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और आप लोग अगर बोलते हो कि इसको यूज़ करके दिखाना तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसको यूज़ करके भी दिखा दूँगी कि कैसे यूज़ करना है और इसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं। पूरा ही एक वीडियो बना दूँगी स्पा का, तो उसमें ये भी यूज़ हो जाएगा और ये भी यूज़ हो जाएगा। तो मेरी मानो तो पार्लर जाने से अच्छा है आप हर महीने, मतलब जिनके बाल ज़्यादा ही ड्राई है, डैमेज हैं मतलब। और हाँ, ये क्रीम भी अलग अलग उसके है, जिसके भाई बाल हेयर फॉल है उनकी अलग है, हेयर फॉल हो रहा है ड्राई वालों की अलग है, और जिनकी वो जिनको वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी है अपनी उनके लिए अलग है। तो अपने उसे चूज़ करके मंगा लें। मैंने मंगाई थी ड्राई एंड डैमेज बालों के लिए, तो ये वाली आई थी मेरी। तो पहले मतलब ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ों का ही आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, कुछ कुछ होती है सस्ती चीज़ों का भी रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। तो पहले थोड़ा सा छोटे से ही शुरुआत करो, एकदम से ऊंची सीढ़ी मत चढ़ो, है ना। तो एक बार यूज़ करके देखना, अगर जिनको भाई बाल अपने अभी ड्राई लग रहे हैं तो एक बार, अगर उनको स्पा की नीड है तो पार्लर में ना जाएं, अपना जो प्रोडक्ट है घर पे मंगाएं और अपना इजीली करें। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि दो चार बंदे लगेंगे हमारे बाल ऐसे ऐसे खींचेंगे तभी हमारे बालों का स्पा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईज़िली इसको यूज़ करो अपने आप से, एक दो बार थोड़ा सा मुश्किल लगेगा उसके बाद आ जाएगा, तो मतलब अपने आप से आप आराम से कर लोगे इसको। तो मैं अब इसको 15 दिन बाद फिर दोबारा यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ड्राई ज़्यादा हो रहे हैं। तो वैसे आप महीने में एक बार हेयर स्पा ले सकते हैं, और बालों के लिए स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्पा कराओ तब स्टीम लेनी ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये वाली कैप मंगाई थी, और इसका कलर है पिंक, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी कैप है ये। तो ये थी वो दोनों चीज़ें जो मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी हेयर स्पा के लिए। आप लोगों को मंगानी है तो प्लीज़ लिंक पे जाना डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से लिंक पे क्लिक करो और जल्दी से अमेज़ोन से मंगा लो। वैसे आपको अदर ऐप पे भी मिल जाएंगे, मीशो पे भी मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, जिससे आपको अच्छा लगे आप वहाँ से मंगा लो इसको। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, हेयर स्पा की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं दोबारा बोल रही हूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और दो बने रहना मेरे साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड गुड नाइट।